हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो करंटली हमारा ये क्रैश कोर्स चल रहा है केएस प्रिलिम्स का, जो कि फिलहाल मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको यूट्यूब पे ही आपके जो वीडियोस हैं फ्री में अपलोड करूंगी। आगे इसमें अगर कोई भी चेंज आई तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। कल कोई वीडियो नहीं आया क्योंकि कल मैं थोड़ा एनटी अपना जो नए टेस्टदार का कोर्स चल रहा है उसके साथ थोड़ा बिजी थी, क्योंकि वो एक पेड कोर्स है एंड पेड कोर्स की तरफ जो है प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू जो मैं फ्री में आपके यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ। फाइन, ये प्री जो है फिलहाल इसका क्रैश कोर्स यूट्यूब पे चलेगा, एंड जो मेंस है वो खरीदने के लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मेंस का कोर्स आप वहां से ले सकते हैं। उसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा, दैट मींस जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशनड है उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल कॉम्पैक्ट और प्रिसाइज क्रिस्प नोट आपको मिलेंगे जो आप विद इन 3 मंथ्स कंप्लीट कर सकोगे। फाइन, प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी एंड टेस्ट सीरीज के जो सोल्यूशन है उन पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे, प्लस आपकी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है आंसर राइटिंग वो भी इस मॉड्यूल में इंक्लूडेड है, एंड प्लस आपको जनरल स्टडीज फर्स्ट का जो कंपोनेंट है सोसाइटी उसके भी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको किसमें मिलेंगी, मेंस बैच में, जिसको लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करना होगा। एंड साथ में मेरे एनटी का भी कोर्स चल रहा है, सब इंस्पेक्टर का, कॉन्स्टेबल का, सारे कोर्सेज चल रहे हैं जिनको खरीदने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पे जा सकते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने हमारे केएस प्रीलिम्स पे। तो करंटली हम कर रहे हैं इस फ्री क्रैश कोर्स में एंशिएंट हिस्ट्री, एंड इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री में आपको मिल जाएगी मेरी वेबसाइट पे, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। तो एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक एंड नियोलिथिक जो है उसको डिस्कस किया। सेकेंड, फिर मैंने आपको चालकोलिथिक कल्चर जो है, चालकोलिथिक एज जिसको हम कॉपर स्टोन एज भी बोलते हैं, वो हमने डिस्कस करी। इसमें मेटल्स का इंट्रोडक्शन हुआ, एंड चालकोलिथिक में ही एक काफी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन, या आप टाइम बोलो जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम था जिसको हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, वो चली, ठीक है। फिर इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, जिसके हमने रीजन देखे क्यों डिक्लाइन हुआ, एंड कौन सी थियोरीज पुट फॉरवर्ड की गई, एंड कौन सी थियोरी किसने दी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने एक ओवरव्यू लिया सिविलाइजेशन का, एंड सेपरेटली जो इंपॉर्टेंट सिटीज है वो भी डिस्कस करी, ठीक है। तो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज योर वैदिक एज। वैदिक एज, ठीक है, अभी हम एंशियंट हिस्ट्री में ही हैं। तो वैदिक एज को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक है आपका अर्ली वैदिक एज एंड एक है आपका लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज, ठीक है। अर्ली वैदिक एज का टाइमलाइन है 1500 टू 1000 बीसी, एंड लेटर वैदिक है आपकी 1000 टू 600 बीसी, ठीक है। तो ये जो आपका पार्ट है हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं या मेडिवल भी आगे जाके, तो इसमें ऐसे ज्यादा कंसेप्चुअल कुछ नहीं है जो मैं आपको समझाऊं, एंड इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं चाहे वो आपका यूपीएससी का हो या आपका जेकेपीएससी का हो, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी फैक्चुअल बेस्ड होते हैं मेजरली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको हर वैदिक एज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनकी सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, एंड उनका रिलीजन क्या था, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, उनका पॉलिटिकल जो है सेटअप वो कैसा था, एंड वैसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्ली वैदिक एज से, अर्ली वैदिक एज। तो ये जो वैदिक पीरियड है इसमें कौन सी एज आती है, दरअसल ये आपका कौन सा वाला टाइम है जब आपकी जो ब्रॉन्ज एज है वो एंड होना शुरू हो जाती है, तो एंड ऑफ ब्रॉन्ज एज। एंड ये एंड ऑफ ब्रॉन्ज एज किसकी वजह से हुआ, ये हुआ आपके डिक्लाइन ऑफ योर हरप्पा सिविलाइजेशन, और वो किस अराउंड हुआ था डिक्लाइन, वो डिक्लाइन हुआ था आपका अराउंड 800 बीसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर अर्ली वैदिक स्टार्ट हुई आपके 1500 टू 1000 बीसी, एंड लेटर वैदिक इज 1000 टू 600 बीसी। अब ये जो अर्ली वैदिक एज है इसमें कौन से लोग थे, बेसिकली इसमें थे आपके आर्यन जिनको हम बोलते हैं आर्यंस, एंड ये आर्यंस कहाँ से आए थे, ये माइग्रेट हुए थे टू इंडिया, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम ईरान, ठीक है। हमें
वेस्ट एशिया जो एरिया है, दैट इज ईरान वाला एरिया वेस्ट एशिया, वहां पे हमें दो इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, टू इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। वो दो कौन कौन सी थी? एक है उनमें, दैट इज कॉल्ड एज KASSITTE, कैसाइट, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज योर MITANNI, और ये दोनों इंस्क्रिप्शन जो हैं, दे इन्फॉर्म अबाउट द आर्यन माइग्रेशन टू इंडिया, इन्फॉर्म अबाउट आर्यन। तो इस चीज से हमें पता चलता है इस एज में जो आर्यंस थे वो आपके ईरान से माइग्रेट हुए थे, इन्फॉर्म अबाउट द आर्यन माइग्रेशन टू इंडिया, ये दो इंस्क्रिप्शन है। तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि विच इंस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट द आर्यन माइग्रेशन टू इंडिया, एंड ये क्वेश्चन जो है पहले यूपीएससी प्री में आ चुका है। आगे देखते हैं, एक पारसी सेक्रेट टेक्स्ट है, पारसी सेक्रेट टेक्स्ट जिसका नाम है जेंड एवेस्टा, जेंड एवेस्टा, ठीक है। ये दिस ऑल्सो इन्फॉर्म्स अबाउट आर्यन माइग्रेशन, ऑल्सो इन्फॉर्म्स अबाउट आर्यन माइग्रेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो अर्ली वैदिक एज है, अर्ली वैदिक एज, इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे एज ऑफ ऋग्वेदा, या इसको ऋग्वेदिक एज भी बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा, हम ये वर्ड हमने, इट्स नॉट अ न्यू वर्ड, ऋग्वेद हमने सुना है ना, ऋग्वेदा। तो वो जो ऋग्वेदा है वो बेसिकली आपका अर्ली वैदिक एज वाला टाइम है, लेटर वैदिक एज वाला नहीं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एज ऑफ ऋग्वेदा, और सिंपली योर ऋग्वेदिक एज, एज ऑफ ऋग्वेदा, दैट इज योर 1500 to 1000 BC, एंड दिस वन इज योर लेटर वैदिक एज। एंड लेटर वैदिक एज को हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है एज ऑफ, इसमें तीन चीजें आती हैं, संवेद, संवेदा, यजुर्वेद, YAJURVED। तो ये हम जब लेटर वैदिक में आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको इन सब चीजों का मीनिंग बोलूंगी, ठीक है। एंड अथर्वेद, दिस वॉज योर 1000 to 600 BC, फाइन। तो लेटर वैदिक एज में हमारी कौन सी आती है? एज ऑफ समवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद एंड अथर्वेद। एंड आपका जो एज ऑफ अर्ली वैदिक जो है वो, दैट इज योर एज ऑफ ऋग्वेद, ठीक है। हाँ, एक और बेसिक बात, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि ऋग्वेद समवेद बेसिकली है क्या, जो वेदा सही क्या होता है, ये आपका रिलीजियस टेक्स्ट होता है। तो एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट कौन है आपके हिंदुइज्म में? दैट इज योर वेदास, रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। या इसको संस्कृत टेक्स्ट भी बोला जाता है। तो अर्लीस्ट संस्कृत लिटरेचर कौन है हमारा? ये वेदास, ठीक है, चार वेदास, संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत टेक्स्ट, दैट इज योर ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद एंड अथर्वेद, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे? जो अर्ली वेदिक पीरियड है वो डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। तो अर्ली वेदिक पीरियड जो है उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, तो उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बोला जाता है ट्राइबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ट्राइबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब हो गया? जो ये आर्यन ट्राइब थी, आर्यंस, ये डिवाइडेड थे किसमें? डिफरेंट ट्राइब्स में, डिफरेंट ट्राइब्स में, एंड हर ट्राइब का ओन लीडर था, एवरी ट्राइब हैड इट्स ओन लीडर, ठीक है। इसको बोला जाता है ट्राइबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो आपके अर्ली वैदिक पीरियड में था। शॉर्ट में मैंने यहाँ पे EVP लिखा हुआ है। सेकेंड इज मोनार्की एग्जिस्टेड। मोनार्की क्या होता है? रूल ऑफ किंग, जहां पे एक किंग आप पे रूल करेगा। मोनार्की एग्जिस्टेड, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, बट इन लिमिटेड फॉर्म, दैट मीन्स उतनी फुल फ्लेज जो है पावर वो किंग के पास नहीं थी अर्ली वैदिक पीरियड में, बट इन लिमिटेड फॉर्म, ठीक है। तो पावर किसके पास थी? पावर हमारी, जो किंग था, किंग ही वॉज कंट्रोल्ड बाय सर्टन असेंबलीज, किंग वॉज कंट्रोल्ड बाय ट्राइबल असेंबलीज, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है मोनार्की जो है इट एग्जिस्टेड इन लिमिटेड फॉर्म। तो वो ट्राइबल असेंबलीज कौन कौन सी थी? उनका नाम है सभा, समिति,
विधाता परिषद गाना, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सभा और समिति जो थी ये क्या थी? क्या ये किसी फंक्शन का नाम था, किसी टेक्स्ट का नाम है, ट्राइबल असेंबलीज है, ठीक है, कोई सेरेमनी है, क्या है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ से फॉर्म होने के चांसेस होते हैं। उस टाइम पे किंग को क्या बोला जाता था? दैट मीन्स टाइटल ऑफ किंग वॉज गोपा, GOPA, ठीक है। एंड गोपा का क्या मीनिंग होता है? प्रोटेक्टर ऑफ काउस, प्रोटेक्टर ऑफ काउस, ठीक। आगे देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट, ये याद रखना, ये जो टाइम था ना, इसमें कोई टैक्सेशन आपको पे नहीं करनी पड़ती थी, कोई टैक्स नहीं होता था, ठीक है। सेवन, किंग जो है उनको गिफ्ट्स मिलते थे फ्रॉम पीपल, ऑल्दो कोई टैक्सेशन नहीं थी, बट किंग जो है रिसीव्ड वॉलेंटरी गिफ्ट्स, वॉलेंटरी गिफ्ट्स फ्रॉम पीपल। तो वॉलेंटरी थे, कंपल्सरी नहीं थे, फाइन। एंड इस वॉलेंटरी गिफ्ट का एक नाम था, दैट वाज कॉल्ड बाली। तो बाली क्या था? वॉलेंटरी गिफ्ट था, जो किसको दिया जाता था? आपके किंग को दिया जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। एट पॉइंट देखते हैं, इस टाइम में कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, दैट मींस कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी जहां पे विच वॉज डिवाइडेड इंटू सर्टन ऑफिसर्स, जैसा मुगल के टाइम पे देखेंगे या इसी में हम आगे देखेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट, ट्रेजरी के लिए आपके लिए अलग ऑफिसर होते थे, ठीक है, उस डिपार्टमेंट का अलग नाम होता था। स्पाई जासूसी, इसके हमारे पास अलग डिपार्टमेंट, अलग ऑफिसर्स होते थे, रेवेन्यू कंट्रोल के अलग होते थे, वो सारी चीजें अर्ली वैदिक में प्रेजेंट नहीं थी, वो हम आगे देखेंगे फिर लेटर वैदिक टाइम से, ठीक है। फिर आपका नाइन्थ हुआ नो स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी क्या हुआ? जैसे रिजर्व फोर्सेस होती है ना हमारी, एंड कहीं पे अटैक हुआ एंड आप अपने रिजर्व फोर्सेस को कॉल करो एंड आगे वो लड़ाई करें, ऐसी कोई स्टैंडिंग रिजर्व आर्मी जो है वो उस टाइम पे अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं थी। अब जब लड़ाइयां वगैरह होती थी तो कौन एक्ट करता था? तो ट्राइब जो थे वो एक्ट करते थे, ट्राइब्स एक्टेड एज मिलिट्रिया, इसको बोला जाता है मिलिशिया, ठीक है, MILITA। तो ट्राइब्स खुद ही जो है आर्मी एक्ट करते थे, कोई रिजर्व अलग से कोई डिपार्टमेंट या अलग से आपके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। ये हमारा हो गया लेटर वैदिक। तो यहीं पे अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल लाइफ, और ये था अभी तक हमारा अर्ली वैदिक, ठीक है। तो यहीं पे हम डिस्कस करेंगे अब पॉलिटिकल लाइफ ऑफ अर्ली वे ऑफ लेटर वैदिक, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। इससे क्या हो जाएगा, ये हम ऐसे ही करेंगे, एक हमारा जो कंपोनेंट है वो अर्ली का चलेगा, एक लेटर का चलेगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे इकोनॉमी ऑफ अर्ली वैदिक एंड उसके साथ ही इकोनॉमी ऑफ लेटर वैदिक। तो आपके लिए याद करना इजी हो जाता है, जब आप कंपेरेटिवली करते हो ना तो आपके लिए रिविजन ईजी हो जाते हैं। देखो आप जब आप ये पार्ट रिवाइज करोगे तो आप याद रखोगे, अच्छा टाइटल ऑफ किंग वॉज गोपा, वही आपको नीचे नोट में लिखा होना चाहिए फिर लेटर वैदिक में किंग को क्या बोला जाता था। ये जो है ये एक एफिशिएंट वे है रिवीजन का, ठीक है, वहीं पे रिकॉल करना। जैसे आप अर्ली वैदिक की कोई चीज पढ़ रहे हो, ब्यूरोक्रेसी अर्ली वैदिक में नहीं थी, ये आप वहां रिवाइज कर रहे हो, उसी टाइम पे बिना अगले नोट्स को देखे हुए यू शुड बी एबल टू रिकॉल कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसका स्ट्रक्चर क्या था लेटर वैदिक में, ठीक है। जब आप याद रखो अच्छा बाली वॉलेंट्री था अर्ली वैदिक में, तो वहीं पे रिकॉल करो कि बाली लेटर वैदिक में उसके बारे में क्या बोला गया है, ठीक है। ये एक एफिशिएंट वे होता है रिवीजन का जो आपको हेल्प करता है। अब जो ट्राइबल नेचर है वो कॉन्टिन्यूड, क्योंकि अभी भी हमारे पास ट्राइबल पॉलिटी ही एग्जिस्ट करती थी, लेकिन कुछ चेंजेस आई वो हम आगे देखते हैं। हमने अभी क्या कहा था, उसमें मोनार्की लिमिटेड थी, ठीक है, क्योंकि आपकी जो ट्राइबल असेंबलीज हैं वो किंग को कंट्रोल करती थी। लेकिन लेटर वैदिक में क्या हुआ, जो आपकी मोनार्की थी, मोनार्की बिकेम एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की, दैट मींस अब पावर किसके पास आ गया, पावर आपका आ गया किंग्स के पास, ठीक है। टाइटल ऑफ किंग क्या था अर्ली वैदिक में, मैंने आपको अभी बताया, इट वॉज गोपा, प्रोटेक्टर ऑफ काउ जिसको बोलते थे। अब क्योंकि अब आप देख लो, अभी प्रोटेक्टर ऑफ काउ बोला है किंग को, अभी ऐसा कोई राजा या ऐसा नहीं बोला अर्ली वैदिक में, क्योंकि किंग जो है उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लिमिटेड मोनार्की थी। लेकिन अब एब्सोल्यूट आ गई तो टाइटल ऑफ किंग जो है अब वो किंग के नाम से जाने, मतलब जानने लगा, ना कि प्रोटेक्टर ऑफ काउस। तो उस टाइम पे क्या था टाइटल ऑफ किंग, राजन लेटर वैदिक में,
ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक असेंबलीज हमने अभी डिस्कस करी कौन कौन सी, रिकॉल करो, सभा, समिति, विधाता, परिषद, गाना। ठीक है, ऐसे साथ साथ आपका रिवीजन होता रहेगा। सभा, समिति, विधाता, परिषद, गाना। सभा, समिति, विधाता, परिषद, गाना। सदा सभा, समिति, विधाता, परिषद, गाना। ठीक है, सभा, समिति, विधाता, परिषद, गाना। ठीक है, अब लेटर वैदिक में क्या हुआ, जो असेंबली है, वैदिक असेंबली लॉस्ट इट्स रेलिवेंस। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही। ठीक है, क्यों नहीं रही, क्योंकि अब मोनार्की जो है वो एब्सोल्यूट हो गई, ना कि लिमिटेड। फिफ्थ पॉइंट देखो, एक फॉर्मल टैक्सेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस लेटर वैदिक में। अर्ली वैदिक में देयर वाज नो टैक्सेशन, फॉर्मल टैक्सेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। सिक्स वन इज योर बाली जो था, व्हाट वाज इट, इट वाज अ वॉलंटरी गिफ्ट दैट वाज गिवन टू द किंग इन योर अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, इन लेटर वैदिक पीरियड द बाली विच वाज अ वॉलंटरी गिफ्ट इन अर्ली वैदिक पीरियड बिकेम अ कंपल्सरी गिफ्ट, कंपल्सरी गिफ्ट। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा साथ साथ आपका, आप देखो मैं इतनी बारी इसीलिए रिपीट कर रही हूँ, अदरवाइज रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे पता है कि आप लोग एक ही बारी में समझ रहे हो, रेपिटेशन इसीलिए है ताकि आपका जो रिटेंशन है वो बढ़ जाए, दिमाग में चीजें रजिस्टर हो जाएं। जैसे असेंबलीज मैंने कितनी बारी आपको रिपीट करवाया, सभा, समिति, विधाता, परिषद, गाना। ठीक है, सभा, समिति, विधाता, परिषद, गाना, फाइन। बाली हो गया, उसके बाद और एक टैक्स इमर्ज हुआ जिसको हम बोलते हैं बागा, दैट इज अ शेयर ऑफ योर प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस करते थे उसका कुछ शेयर। ठीक है, बागा, ये जो बागा है दैट इज इट बिकेम, इट केम इंटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, एंड इट इमर्ज एज अ रेगुलर टैक्स, इमर्ज एज अ रेगुलर टैक्स, और ये बागा क्या होता है, शेयर ऑफ द प्रेडी, उसका शेयर। ठीक है, अब ब्यूरोक्रेसी जो थी वो स्टार्ट होगी इन इट्स थोड़ा सा अर्ली रुडिमेंट्री बिगिनिंग फॉर्म में। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी इमर्ज्ड एंड जो लेटर वैदिक टेक्स्ट्स हैं उसमें हमें मेंशन हुए हैं 12 डिफरेंट ऑफिसर्स, फाइन। लेटर वैदिक बुक्स में, लेटर वैदिक पीरियड में मेंशन है 12 डिफरेंट ऑफिसर्स जिनको हम बोलते हैं कलेक्टिवली नोन एज, मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ, रत्नीज। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड हो गया आपका, एंड हमारा साथ साथ क्या चला, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। एंड और एक चीज यहाँ पे मैं यहीं पे ऐड कर देती हूँ, नाइन्थ पॉइंट, कि अभी भी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। ठीक है, नो स्टैंडिंग आर्मी, एंड जो ट्राइबल मिलिशिया था वो कॉन्टिन्यूड, मिलिशिया कैरेक्टर कॉन्टिन्यू। अब देखो जो भी मैं लिख रही हूँ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मेरे पढ़ाने के साथ साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। फिर जो आप एनसीईआरटी या कोई भी रिसोर्सेज कंसल्ट करना चाहेंगे तो यू कैन सप्लीमेंट देम विद दीज नोट्स। ठीक है, तो ये काफी अच्छे नोट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, डिफरेंट एनसीईआरटी वगैरह को कंसल्ट करके ही बनाए गए हैं। अगर आप फर्दर कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसीलिए आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, बट आई नो सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, कई लोग जो है उनके लिए नोट्स बनाना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वो बोर हो जाते हैं। आई डू कम्प्लीटली अग्री एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इस वजह से मैंने इसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपनी वेबसाइट पे फिर लेक्चर के बाद अपलोड कर देती हूँ। दो लेक्चर्स हमारे हो गए हैं, दोनों लेक्चर्स के मैंने जो पीडीएफ है, आई गेस दो या तीन लेक्चर्स हमारे हो गए हैं अभी तक, दिस इज द फोर्थ वन, वो तीनों लेक्चर्स के पीडीएफ जो है आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अर्ली वैदिक हो गया, अब हम देखते हैं इकोनॉमी ऑफ योर अर्ली वैदिक एंड, अच्छा अभी तक पॉलिटिकल लाइफ हो गया, अब हम देखेंगे इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ योर अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो आई विल स्टार्ट विद नाउ इकोनॉमी ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, हम इसको ऐसे कवर करेंगे, इस साइड से अर्ली वैदिक, इस साइड से लेटर वैदिक, एंड आई फील कि वैसे आपका जो रिविजन है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इकोनॉमी ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज कि जो अर्ली आपके ये थे आर्यंस थे, जो अर्ली वैदिक पीरियड में थे, दे लिव्ड अ सेमी नोमैडिक लाइफ। अर्ली आर्यंस लिव्ड अ
सेमी नोमैडिक लाइफ। तो सेमी नोमैडिक का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल नोमैड्स नहीं थे, थोड़ी बहुत सेटलर्स होंगे भी, बट इट वाज मोर और लेस अ नोमैडिक फॉर्म ही आल्सो। नोमैड्स कौन से होते हैं, जिनको वो बंजारे टाइप बोलते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है, जिनका कोई एक पर्टिकुलर ठिकाना नहीं होता है। तो दे लिव्ड सेमी नोमैडिक लाइफ, ठीक है। एंड यहां से हम देखते हैं इकोनॉमी ऑफ लेटर वेदिक। तो पहले हम अर्ली वेदिक कंप्लीट करेंगे, फिर यहां से लेटर वेदिक पीरियड, ठीक है। सेकेंड वन, इनका ऑक्यूपेशन क्या था, मेन ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन वॉज दैट इज कॉल्ड पेस्टोरलिज्म। पेस्टोरलिज्म वो कौन से होते हैं, पेस्टोरलिज्म दैट वॉज ए मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है। एंड दैट इज यू कैटल रेयरिंग, कि जो कैटल वगैरह चराते हैं ना, गाय बकरियां जैसे, वो चराना, ठीक है, दैट वॉज देयर मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन नहीं था, मेन ऑक्यूपेशन वॉज पेस्टोरलिज्म, ठीक है। वो क्या होता है, दैट इज योर कैटल रेयरिंग। थर्ड वन इज, जो काव है, इट वॉज द चीफ फॉर्म ऑफ वेल्थ। काव वॉज कंसिडर चीफ चीफ फॉर्म ऑफ वेल्थ। जैसे आज, या जब हम आगे एग्रीकल्चर की तरफ गए, तो जो हमारा चीफ फॉर्म ऑफ वेल्थ था वो क्या था, लैंड, जिसके पास जितनी जमीन है, जमींदार। फिर हमने मुगल्स आगे आगे टाइम में भी देखा, लैंड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। करंटली क्या है, आपकी करेंसी, मनी वैल्यू, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय थी वो उतना ज्यादा अमीर था। तो चीफ फॉर्म ऑफ वेल्थ, तो गाय की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी। अब आप खुद ही सोच लो कि किंग का टाइटल क्या था, गोपा, दैट इज योर प्रोटेक्टर ऑफ काउस, जो आपका काउस को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। फोर्थ वन, एवरी एस्पेक्ट जो भी ऋग्वेदिक लाइफ का है, इट वॉज डिनोटेड इन द रिलेशन ऑफ काउ, ठीक है। वो आप याद रखोगे, जैसे मैंने आपको वो काउ की एग्जाम्पल बताई, अब जैसे मैंने आपको वो टाइटल की एग्जाम्पल बताई, गोपा प्रोटेक्टर ऑफ काउ, ठीक है। सिमिलरली जो बैटल्स लड़े जाते थे उस टाइम पे, दैट वॉज कॉल्ड गवस्थी, गवस्थी, ठीक है, बैटल। एंड गवस्थी का क्या मतलब होता है, इट मीन्स ओनली फॉर काउ। जैसे मैंने आपको कहा, एवरी रिलेशन इट वॉज रेगुलेटेड बाय द काउ, ठीक है। तो गोपा इज जो प्रोटेक्टर ऑफ काउ, वो हमने ऑलरेडी लिखा। एंड जो भी बैटल्स लड़े जाते थे, दैट बैटल वॉज कंसिडर्ड दैट इट इज अ बैटल ओनली फॉर काउ, उसका नाम था गविस्थी। ये जो नाम है, प्रिलिम्स में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं कि गविस्थी क्या होता है, ठीक है, तो यू शुड नो दिस। एंड गव्यातु, गव्यातु ये एक यूनिट है फॉर डिस्टेंस। जैसे आज क्या होता है, किलोमीटर्स, मीटर्स, उस टाइम पे क्या यूनिट होता था फॉर डिस्टेंस, दैट इज ए गव यतु, ठीक है। तो वो भी आपके गव, वो भी गाय, काउ, उस चीज से रिलेटेड है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सिक्स वन इज योर गोधुली, GODHULI, गोधुली। गोधुली इज अ टर्म फॉर टाइम, टर्म फॉर टाइम, ठीक है। तो हर, चाहे वो डिस्टेंस हो, टाइम हो, पहले कहीं ना कहीं उसका जो नाम है वो किस चीज से रिलेटेड था, आपके काउ से, जैसे गाव्यतु, ठीक है, गाय, गोधुली, दैट इज अ टाइम। एंड सेवेंथ वन इज, गेस्ट को बोला जाता था गोखना, ठीक। अब ऐसा नहीं, जैसे मैंने कहा इट वॉज पेस्टोरल इन कैरेक्टर, पर ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है एग्रीकल्चर प्रेजेंट ही नहीं था। एग्रीकल्चर वॉज प्रैक्टिस, बट इट वॉज सेकेंडरी। एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी, ठीक है। मेन क्रॉप क्या था इनका, मेन क्रॉप वॉज बार्ले, ठीक। एंड ट्रेड ये करते थे, ट्रेड किस चीज का करते थे, डेयरी प्रोडक्ट्स का, ट्रेड इन डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे दूध वगैरह, ठीक है, दूध, दही, पनीर एंड ऑल। इलेवेंथ वन इज योर, जो एक्सचेंज होता था, जैसे आज क्या होता है, आपको चिप्स का पैकेट खरीदना है, आप 10 रुपीज दोगे, वो आपको चिप्स देगा। पहले ऐसा नहीं था, उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे, एक्सचेंज वॉज कॉल्ड बार्टर सिस्टम,
बार्टर, बार्टर को हम क्या बोलते हैं, गुड्स फॉर गुड्स। लाइक मैं आपको 1 किलो प्याज दूं, आप मुझे 1 किलो आलू दे दो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, गुड्स फॉर गुड्स। एंड 12th वन इज इकोनॉमी किस टाइप की थी, इसको बोला जाता है रीडिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमी, रीडिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमी। रीडिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमी क्या हुआ कि जो गैदरिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता था, मतलब आपके पास कुछ स्टॉक है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल कुछ ज्यादा अनाज बच गया है और ज्यादा कुछ कोई सब्जी कुछ भी बच गया है आपके पास ज्यादा, आप वो रखोगे नहीं, आप उसको क्या करोगे, उन सारी चीजों को गैदर करके वापस लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो स्टोरेज का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे नहीं था, गैदरिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। एंड नो स्टोरेज ऑफ रिसोर्सेस। देखो ये जो नोट्स है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स एंड काफी जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आई रियली वॉन्ट कि मैं आपका पेड कोर्स लॉन्च करूं। पेड कोर्स में क्या होगा कि टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी पेड कोर्स में, ठीक है। अब लेकिन इशू कहाँ पे आता है, इशू ये आता है कि आप लोगों को फीस पे नहीं करनी होती, आप बोलते हो फीस काफी ज्यादा है। केएस पढ़ाना इज नो जोक, सिलेबस कवर करवाना 6 सब्जेक्ट्स इन प्री, ऑलमोस्ट 20 to 19 सब्जेक्ट्स इन मेंस, वो आसान नहीं होता है। जब तक आप फी नहीं पे करोगे, मैं नए टीचर्स हायर नहीं कर सकूंगी, क्योंकि आई कैन नॉट टेक अप एवरी सब्जेक्ट ऑन माई ओन, ठीक है। मुझे टीचर्स की जरूरत है, वो तभी होगा व्हेन आई एम एबल टू पे देम। अगर आप जस्ट कंसिडर कि आप टीचर हो, क्या आप फ्री में पढ़ाओगे? अगर फ्री में पढ़ाओगे तो मोस्ट वेलकम, मैं पेड कोर्स लॉन्च करूंगी, ठीक है, पर फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। टीचर्स को भी पैसे चाहिए, तो उसके लिए मुझे फीस चाहिए जो आपको पे नहीं करते हो। इस वजह से मैं भी बाउंड रहती हूँ, मैं अकेले सारा नहीं पढ़ा पाऊंगी, तो आई डिसाइडेड कि मैं फिलहाल इसको यूट्यूब पे ही कंटिन्यू करती हूँ, देन वी विल सी सी। क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट आई है स्टूडेंट्स की, जो चाहते हैं, जो बोल रहे हैं कि हम पे करेंगे लेकिन आप पेड कोर्स लाओ। अगर ऐसा कुछ बड़ा बैच बनता है तो मैं इसको कन्वर्ट करके एक पेड कोर्स जो है वो बनाऊंगी। फिर हो गया आपका ये, ठीक है। अब यही सारी चीजें इकोनॉमी की हम किस में देखेंगे, लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक में क्या हुआ, जैसे अर्ली वैदिक जो थे वो क्या थे, अर्ली आर्यंस, दे लिव्ड अ सेमिनोमैडिक लाइफ। यहाँ पे क्या हुआ, जो आर्यन लाइफ है इट बिकेम सेटल्ड, आर्यन लाइफ बिकेम सेटल्ड, ठीक है, ये फर्स्ट इज। सेकेंड वन इज, अब यहाँ पे पीस चीफ ऑक्यूपेशन क्या था, पेस्टोरलिज्म, यहाँ का चीफ ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बिकेम चीफ ऑक्यूपेशन, फाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्रीकल्चर यहाँ पे चीफ ऑक्यूपेशन क्यों बन पाया, क्योंकि इस एज में हुई थी डिस्कवरी ऑफ आयरन। तो आयरन से क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ जो आपके एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा यूजफुल रहा, डिस्कवरी ऑफ आयरन से। पहली बात तो इट वाज यूज्ड टू क्लियर एल्यूवियल लैंड, ठीक है, तो जो एल्यूवियल लैंड थी उसमें आपको आयरन की जरूरत पड़ी, प्लस इंक्रीज कल्टिवेशन हुई इससे, तो आपका जो एग्रीकल्चर है इसका चीफ ऑक्यूपेशन बनना जायज था, ठीक है। फोर्थ पॉइंट चलते हैं फिर से, लेटर वैदिक, जैसे हमने अर्ली वैदिक में देखा गाय, काय, जो आपके काय नहीं, गाय या काउस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो गविस थी बैटल, गव्यतु यूनिट ऑफ डिस्टेंस, गोदुली टाइम, गोखना गेस्ट, तो सारे जो नाम थे वो गाय के इर्द गिर्द थे। वैसे ही हमें कुछ टेक्स्ट में जो है हमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स मिले हैं आयरन के लिए, क्योंकि आयरन काफी इंपॉर्टेंट रहा जो आपके जिसे एग्रीकल्चर बूस्ट हुआ, तो वो आप टेक्स्ट जो है वो नाम जो है आयरन के वो यहाँ पे देख लो। लेटर वैदिक टेक्स्ट use the terms Krishna Ayas and Shyama Ayas, SHYAMAAYAS, Krishna Ayas and Shyama Ayas. Krishna Ayas का मतलब होता है black and Shyama Ayas means dark, and ये दोनों चीजें they were used for iron, ठीक है, यूज फॉर आयरन, फाइन। अब ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे बच गई, ये हमें कुछ नहीं लिखना, गाय के टर्म्स वो यहाँ पे नहीं थे क्योंकि काउ जो था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा,
फोर्थ फिफ्थ एग्रीकल्चर यहाँ पे सेकेंडरी था, यहाँ पे प्राइमरी था एग्रीकल्चर, प्रिंसिपल क्रॉप यहाँ पे बार्ले था, यहाँ पे मेन क्रॉप क्या था, राइस। राइस ठीक है, मेन क्रॉप वॉज राइस। मैं इसको थोड़ा अच्छी हैंड राइटिंग में लिखती हूँ, मेन क्रॉप मेरी अच्छी इतनी अच्छी होती है, इससे अच्छी नहीं हो सकती। मेन क्रॉप इज राइस, एंड राइस को क्या बोला जाता था यहाँ पे, व्रीही, VRIHI, ठीक है। एंड वीट भी इंपॉर्टेंट था, पर राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके रिमेन्स हमें मिले हैं एक जगह से, रिमेन्स राइस के, जिसको बोला जाता है हस्तिनापुर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेकेंडरी था, यहाँ पे कैटल रेयरिंग सेकेंडरी बन गया। अब एग्रीकल्चर जो है वो सरप्लस होने लगा। सरप्लस मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्या होता है, जब आप प्रोड्यूस करते हो और जितना आप कंज्यूम करोगे उसके अलावा भी आपके पास कुछ बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका खर्चा जो है 10 kgs ऑफ राइस है, 10 kgs, ठीक है, आप कर रहे हो प्रोड्यूस 12 kgs, तो 2 kgs जो है वो आपका सरप्लस होगा, ठीक। तो एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, एग्रीकल्चर सरप्लस, उससे एक और चीज क्या हुई, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट लाइक ज्वेलरी एंड ऑल, ठीक है। जब सरप्लस बचता है तो ही आप आगे कुछ ट्रेडिंग या कुछ प्रोड्यूसिंग कोई चीज कर सकते हो। जब आप एक हैंड टू माउथ लाइफ जी रहे हो, जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो खा रहे हो, तो आप किस चीज से ट्रेड करोगे, ठीक है ना। आप अगर बार्टर सिस्टम भी करते हो, जो आपके पास एक्स्ट्रा अगर है उससे आप बार्टर करके कुछ ज्यादा चीजें ले सकते हो, वैसे ही स्लोली आपकी इकोनॉमी जो है वो प्रोग्रेस करती है। ज्वेलरी, मेटल वर्क्स एंड ऑल, ठीक है। पॉटरी भी, और एग्जाम्पल सीख लो, क्योंकि कभी एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ सकता है, वीविंग एटसेट्रा। एट्थ वन, ट्रेड जो है इट अगेन इमर्ज्ड, क्योंकि हमारे पास सरप्लस है। मैंने अगेन क्यों लिखा, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपका ट्रेड अच्छा खासा चलता था, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ट्रेड अगेन इमर्ज, पहले कहाँ आपका ट्रेड होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पॉटरी मेंशन किया, तो किस टाइप की पॉटरी यहाँ पे यूज होती थी लेटर वैदिक पीरियड में, दैट इज कॉल्ड पेंटेड ग्रेवेयर। ठीक है, एंड ये फर्स्ट ग्लॉसी पॉटरी है ऑफ इंडिया, फर्स्ट जो ऊपर जैसे चमक जैसी बनाई होती है ना पॉटरी की, दैट इज ए ग्लॉसी पॉटरी, फर्स्ट ग्लॉसी पॉटरी ऑफ इंडिया। टेंथ वन, जो यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमी था, यहाँ पे शॉर्ट में आर ही लिखते हैं, इट वॉज लॉस्ट, क्योंकि अब आपके पास स्टोरेज है, आपके पास ज्यादा सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है, आप स्टोर कर रहे हो, फाइन, आप ट्रेड कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये गैदर करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। बार्टर सिस्टम कॉन्टिन्यू, बार्टर सिस्टम कॉन्टिन्यू, अब बार्टर सिस्टम कॉन्टिन्यू हुआ, ठीक है। एंड हमें लेटर वैदिक पीरियड में, यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड लिख लो, कुछ टेक्स्ट मेंशन है जिसमें हमने कोई नाम देखे हैं यूज्ड, उन नामों के लिए जो यूज हुए हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज योर निष्का, समंथा, सतमाना एंड कृष्णाला। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, अभी आप जा रहे हो मार्केट, आपको कोई चिप्स का पैकेट लेना है, आप 10 रुपीज देते हो, तो 10 रुपी वुड बी योर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो उस जमाने में लेटर वैदिक में ये तीन नाम यूज किए हैं, और इसके अलावा भी कोई, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये यूज किए हैं नाम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो क्या ये कॉइन्स थी आपकी, रेगुलर कॉइन्स नहीं, तो रिमेम्बर दिस थिंग, उस पीरियड में देवर नो कॉइन्स, ये जो चीजें हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो करंटली हमारी कॉइन्स या कैश होती हैं, तब ये हो सकता है कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट बना लिया, कोई बीड बना लिया छोटा सा, कोई एक सर्कल बनाया, कुछ नहीं बनाया होगा गोल्ड का, वो यूज किया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आता है क्या लेटर वैदिक पीरियड में कॉइन्स थी, तो यू शुड बी एबल टू आंसर देवर नो कॉइन्स, नो कॉइन्स, ठीक है। तो
आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट में हम आगे देखेंगे हमें क्या कवर करना है। फिलहाल हम कंटिन्यू करेंगे, यही हमारा सोसाइटी रहता है, ऋग्वेद एंड अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड का। फिर हम पोजिशन ऑफ वुमेन देखेंगे, उसके बाद हमारा रिलीजन का पार्ट है, ठीक है। फिर हम देखेंगे ज्योग्राफिकल नॉलेज ऑफ आर्यंस क्या है, रही है, जैसे अगर आपके सेटलर्स थे यहाँ पे वो किस रीजन में थे, एंड उनके जो टेक्स्ट जैसे ऋग्वेद है उसमें किस किस रिवर का क्या मेंशन किया गया है, वो सारी चीजें। फाइन, उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे महाजनपदास वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपके मौर्यन एम्पायर एंड ऑल वो सारी चीजें। तो मैं कोशिश करूंगी, इवन इफ आई एम कीपिंग इट फ्री फॉर यू गाइज, आई विल ट्राई टू मेक अ टाइम टेबल जिसमें आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए क्या क्या कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ आई डिसाइड टू कन्वर्ट इट इनटू अ पेड मॉड्यूल, दैट आई विल ऑल्सो लेट यू नो, वो उस केस में होगा अगर बैच जो है अच्छे खासे स्टूडेंट्स का बनता है एंड आई एम एबल टू एफोर्ड मोर टीचर्स फॉर यू, वो बेटर रहेगा पेड कोर्स आपके लिए भी और मेरे लिए भी। वो आपको मैं अपडेट कर दूंगी, एंड टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, एंड डू मेंशन कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आपको इनसे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।